मैं हूं जसवंत चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जेजी व्लॉगर एंड एजुकेशन। आज मैं चंद्रयान 2 बाहुबली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आने वाले कोई भी एग्जाम में करंट जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं चंद्रयान 2 मिशन बाहुबली, चंद्रयान मिशन 2 बाहुबली जो कि चांद पर लैंडिंग कर चुका है। अब पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दिन चंद्रयान 2 बाहुबली लॉन्च किया गया। तो ये 22 जुलाई को 2:43 पर लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन है चंद्रयान मिशन 2 बाहुबली कब लॉन्च किया गया। तो ये 22 जुलाई को 2:43 पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। तो सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने बजे, तो 2:43। तीसरा कहाँ पर, तो ये श्री सतीश धवन हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर, चंद्रयान 2 कितने दिन बाद चांद पर पहुँचेगा। तो ये 48 दिन बाद चंद्रयान 2 बाहुबली चांद पर पहुँचेगा। तीसरा, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कितने किलो का है। तो ये चंद्रयान 2 इसमें ऑर्बिटर 2379 kg का है। चौथा क्वेश्चन, यह कितने टाइम तक चंद्रमा की कक्षा में रहेगा। यह लगभग एक वर्ष तक चंद्रमा की कक्षा में रहेगा। पांचवा क्वेश्चन, चांद की सतह पर कितने दिन तक आंकड़े जुटाएगा। तो यह 17 दिन तक चंद्रमान 2 बाहुबली चांद की सतह पर आंकड़े जुटाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 को कहाँ से प्रेक्षित किया गया। तो इसका आंसर है हरिकोटा आंध्र प्रदेश। यह चंद्रयान मिशन 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रेक्षित किया गया, तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला, चंद्रयान मिशन 2 को किसने लॉन्च किया। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इसरो ने। चंद्रयान मिशन 2 को किसने लॉन्च किया, 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा इसरो ने। इसका मिलता जुलता 4 ऑप्शन में एक नासा भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर है इसरो। रोवर चांद पर कितनी दूरी पर चक्कर लगाएगा। तो ये रोवर चांद पर 500 मीटर की दूरी पर चक्कर लगाएगा, 500 मीटर की दूरी के आसपास में चक्कर लगाएगा। भारत चांद पर यान उतारने वाला कौन सा देश है, मतलब कितने नंबर का देश है। तो 3 देश इससे पहले चांद पर यान उतार चुके हैं और भारत चौथा देश है, चौथा देश है भारत। चांद पर यान उतारने वाला चौथा देश अब भारत बन गया है। कितने बजे व कहां से लॉन्च किया गया। तो 2:43 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर, 2:43 पर हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अगला 11 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है जी एस एल वी एम के थर्ड रॉकेट की सहायता से चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया। अगला, चंद्रयान मिशन 2 के कितने हिस्से हैं। तो इसके 3 हिस्से हैं, एक रोवर और दूसरा ऑर्बिटर और तीसरा लैंडर। चंद्रयान मिशन 2 के कितने हिस्से हैं क्वेश्चन आता है। तो इसका 3 आंसर है, रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर। यह 48 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। चंद्रयान मिशन 2 48 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। तो 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी चंद्रयान 2 मिशन तय करेगा। यह कब व कहां पर उतरेगा। तो ये 7 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव, ये 7 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला चंद्रयान होगा और चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश होगा। अगले चंद्रयान का क्या नाम है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का तो सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। अब अगले चंद्रयान का क्या नाम होगा,
जो 2020 से पहले लॉन्च होगा उसका नाम आदित्य एल फेस्ट होगा। तो दोस्तों अगला 16 नंबर का क्वेश्चन, आदित्य एल फेस्ट किसका अध्ययन करेगा? ये आदित्य एल फेस्ट जो कि 2020 से पहले लॉन्च करना है, ये सूरज के केंद्र का अध्ययन करेगा। तो आदित्य एल फेस्ट किसका अध्ययन करेगा? ये सूरज के केंद्र का अध्ययन करेगा। पूर्व में किस तारीख को चंद्रयान 2 लॉन्च करना था? यह पूर्व में 15 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह लॉन्च नहीं हो पाया और 22 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया 2:43 पर हरिकोटा अंतरिक्ष संस्थान आंध्र प्रदेश से। यह पृथ्वी पर कितने चक्कर लगाएगा? यह चंद्रयान 2 पृथ्वी पर 4 से 5 चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, चंद्रयान मिशन 2 रोवर कहाँ उतरेगा? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 रोवर उतरेगा। चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला देश ये भारत देश है, जिसका पहला स्थान है। पहला बार ऐसा हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव पर कोई चंद्रयान उतरा है। दोस्तों चांद पर तो उतारने वाले 3 देश पहले अमेरिका, चीन और रूस बन गए, और भारत का चांद पर उतारने वाला चंद्रयान का नंबर 7 आता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला भारत पहला देश है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? इसमें 2 एम वनिता और ऋतु करीधन, ये दोनों चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। चंद्रयान 2 मिशन का कुल वजन कितना था? तो इसका वजन 3.8 टन था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, GSLV मार्क 3 ये रॉकेट था, इसका लक्ष्य कितने किलोमीटर था? इसका लक्ष्य 40 किलोमीटर था, लेकिन यह 46 किलोमीटर तक गया। अगला क्वेश्चन, मिशन 2 कितने दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा? तो ये 23 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। अगला 25 नंबर का, चांद की कक्षा में प्रवेश कब करेगा? जैसे चंद्रयान मिशन 2 30वें दिन चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन, GSLV Mk3 रॉकेट का कुल वजन कितना था? इस रॉकेट का कुल वजन 640 टन था। और अगला क्वेश्चन 27 नंबर, चंद्रयान मिशन 2 का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य चांद पर पानी का पता लगाना और चट्टानों में पानी का पता और चट्टानों में खनिज पदार्थ का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला 28वां, कितने मिनट बाद यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ? तो 17 मिनट के बाद यह चंद्रयान मिशन 2 पृथ्वी में स्थापित हुआ। चंद्रयान 2 का लैंडर उससे कब अलग होगा? 43वें दिन चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर उससे अलग हो जाएगा। कितनी चंद्रयान 2 मिशन की लागत आई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी लागत लगभग 603 करोड़ आई और 375 करोड़ इसकी प्रक्षेपण की राशि आई। ये दोनों राशि जो कि चंद्रयान 2 की लागत आई 603 करोड़ उसकी लागत और 375 करोड़ प्रक्षेपण की लागत। तो 31 नंबर का क्वेश्चन, तकनीकी खराबी के कितने दिन बाद चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ? ये 8 दिन बाद, जो कि पूर्व में 15 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण लॉन्च नहीं हो पाया। फिर 22 जुलाई को लॉन्च किया गया, अर्थात 8 दिन के बाद ये लॉन्च किया गया। फिर 32 नंबर, ये चांद की कक्षा में कितने दिन तक चक्कर लगाएगा? तो ये 13 दिन तक, 30 से 42वें दिन तक 13 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। 33वां, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के शिवाय वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। अगला 34 नंबर का, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में वर्तमान में इसरो का मुख्यालय स्थित है। 35 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई को सर्वप्रथम बनाया गया। तो 37 नंबर का क्वेश्चन, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? यह भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के पास भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय है। अगला 37 नंबर, पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था?
यह चंद्रमायान मिशन टू है जो कि 22 जुलाई को लॉन्च हुआ। तो पहला चंद्रयान मिशन वन जो कि 2008 को लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 38 नंबर क्वेश्चन, हरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष हरि केंद्र हरिकोटा स्थित है। 39 नंबर, चंद्रयान फर्स्ट ने क्या खोजा? ये चंद्रयान टू है जो कि पानी की खोज और चट्टानों में खनिज की खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान फर्स्ट ने क्या खोजा? चंद्रयान फर्स्ट ने चांद पर पानी को खोजा था। चांद पर पानी को चंद्रयान फर्स्ट ने खोजा। 40 नंबर, भारत से पहले चांद पर उतारने वाले चंद्रयान कितने देश है? तो 3 देश है, अमेरिका, चीन और रूस। ये 3 देश है जिन्होंने भारत से पहले चंद्रयान को चांद के ऊपर उतारा है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत पहला देश है और चांद पर उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो चंद्रयान 2 मिशन के, जो कि अगले नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें करंट जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं। और भी नए नए वीडियो देखने के लिए जेजी ब्लॉगर एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। राम राम शाह।